नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व एक छात्रा के मकान को चोरों ने निशाना बनाकर उसमें 1.5 लाख रुपए के सोने के जेवर सहित अन्य सामान और नगद रुपए की चोरी हुई थी। सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके के सीसीटीवी और संदिग्ध आरोपियों की धरपकड़ की, जिसमें पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चोरी की वारदात को कबूला है। वहीं पुलिस द्वारा अन्य थाना क्षेत्र से आरोपी के नाम से जानकारी निकाली जा रही है। दो दिन पूर्व अर्जुन इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा के घरों पर चोरों ने सेंधमारी करी थी। फरियाद की घटना के संबंध में ताला लगाकर बाजार गई हुई थी, तभी आरोपी मिर्जा शिफा उम्र 19 साल जो कि बालाघाट का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने सूर्य प्लाजा के फ्लैट नंबर 106 में घुसकर घर का ताला तोड़ा और घर में रखे हुए सोने के जेवर सहित नकद रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद उसने इलाके में सीसीटीवी कैमरे और अन्य आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। 9/9/22 को एक नकद देने की घटना हुई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था धारा 457-380 के अंतर्गत, और फरियादी मिर्जा शेफ है जो कि पीएससी की तैयारी कर रही है। वो अपने दोस्त के घर गई थी और मकान में ताला लगा के गई थी। फ्लैट में वापस आई तो उसने सामान बिखरा हुआ देखा और उसके घर से एक सोने की चेन और एक ड्रॉवर और दो सोने की अंगूठी, एक सोने का पेंडल, एक लैपटॉप और घड़ी टाइटल, ये सामान चोरी हुआ था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना एक आरोपी मंगल को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्याय का परीक्षण भेजा जा रहा है। हाँ, मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।